मेरी फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों स्थानांतरण से संबंधित बातों पे डिस्कस करेंगे। यूं तो स्थानांतरण का मुद्दा हमेशा से सबसे ऊपर रहा है दोस्तों, लेकिन अभी ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। आखिर इसकी वजह क्या है और स्थानांतरण के नियमों में बहुत से परिवर्तन होने जा रहे हैं दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, स्थानांतरण ट्रांसफर का मुद्दा शिक्षक संघों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से बार बार उठाया जाता है दोस्तों। हालांकि अभी तक स्थानांतरण हुआ नहीं है, लेकिन ये मुद्दा फिर से जोर पकड़ रहा है। कारण है शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिन्होंने विधान परिषद में स्थानांतरण को लेकर के महत्वपूर्ण घोषणाएं की है दोस्तों, महत्वपूर्ण बयान दिया है उन्होंने। इसके बाद से यह स्थानांतरण का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर पकड़ रहा है। उनका कहना है कि स्थानांतरण के लिए जो नियम है, नियम में बदलाव किए जा रहे हैं दोस्तों, जो नियम है बदलाव किए जा रहे हैं, अधिक लचीलापन लाया जाएगा, अधिक फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा स्थानांतरण को, विधान परिषद में उन्होंने कहा है दोस्तों। जो वेब पोर्टल आप सुन रहे होंगे, पिछले 2-3 वर्षों से वेब पोर्टल बन रहा है स्थानांतरण के लिए, इसका मतलब है कि आपका जो स्थानांतरण होगा दोस्तों, वो अब ऑफलाइन स्थानांतरण नहीं होगा, आपका जो ट्रांसफर होगा वो अब ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कहने का मतलब है कि आपका वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा और वेब पोर्टल पे ही आपको अपना अप्लाई करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा कि आप कहाँ पे स्थानांतरण चाहते हैं, कहाँ पे ट्रांसफर चाहते हैं, वर्तमान में आप कहाँ पे पदस्थापित हैं, इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम चीजों को आपको वहां पे बताना होगा। पहले जो था वो आपका नियोजन इकाई वार होता था, जो भी नियोजन इकाई है वहां पे एज ए डिपुटेशन हो जाता था, लेकिन अब स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होगा दोस्तों। पहले ये सुविधाएं नहीं थी और इसका जो नियमावली है वो बहुत पहले से है, लेकिन जो 2004-5-6 में भी जो विद्यालय में ज्वाइन किए हैं, अभी तक उनका भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। और सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि इसके लिए वेब पोर्टल बनाया जा रहा है, और पता नहीं किस तरह का वेब पोर्टल बनाया जा रहा है जो अभी तक बना नहीं है। बाकी चीजों का वेब पोर्टल तो बहुत जल्द बन जाता है, जैसे कि जाति जनगणना था, जाति जनगणना का वेब पोर्टल बन करके तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि जो प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, उनका आपका ट्रेनिंग, सेकेंड फेज का ट्रेनिंग का कार्य भी चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, वहीं ट्रायल भी हो चुका है। लेकिन ये स्थानांतरण एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों, जो वर्षों से चला आ रहा है और अभी तक लटका हुआ है, न जाने कितने वर्षों के बाद ये जाकर के सॉल्व होगा। बहरहाल उनका कहना है, जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी का कहना है दोस्तों कि जो स्थानांतरण होगा, वेब पोर्टल तैयार है, बन रहा है और इसका ट्रायल किया जाएगा। जैसे ही वेब पोर्टल का ट्रायल कर दिया जाएगा, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी, आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, आपको जो भी फॉर्म वगैरह जो भी आपसे फिल करवाया जाएगा, आपकी जो भी डेटा जानकारियां ली जाएगी, वो सब कुछ वेब पोर्टल के माध्यम से ही लिया जाएगा दोस्तों। अब इसमें जो नवनियुक्त 42,000 शिक्षक हैं, एक चीज और महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि ऐच्छिक ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों। जो ट्रांसफर होगा वो आपका ऐच्छिक ट्रांसफर होगा, ऐच्छिक ट्रांसफर, और एक होता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। दोनों चीजें में हम लोग समझते हैं कि ऐच्छिक क्या है और एक म्यूचुअल ट्रांसफर क्या है। तो देखिए, ये आपका म्यूचुअल ट्रांसफर हो गया और एक होता है आपका ऐच्छिक ट्रांसफर, ठीक है। तो ऐच्छिक ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर की बात की जाए तो ऐच्छिक ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप जहां चाह रहे हैं, आप जहां भी चाह रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी विद्यालय में, आपको वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, वो सीट खाली होगा तो, ठीक है ना। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब है कि आप जहां भी जाना चाहते हैं, यदि वहां से कोई शिक्षक यहां पे आना चाहता है, उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि कोई शिक्षक पटना में है और कोई शिक्षक भागलपुर में है, भागलपुर वाला पटना आना चाहता है और पटना वाला भागलपुर जाना चाहता है, तभी उनका ट्रांसफर हो सकता है म्यूचुअल, ये वहां पे चले जाएंगे, वो यहाँ पे चले जाएंगे, ये चीजें होती है, ठीक है। लेकिन ऐच्छिक ट्रांसफर में ऐसा नहीं है, यदि भागलपुर वाला पटना आना चाहता है
तो वो आ सकता है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी जो कि पटना से वहां पे अपना स्थानांतरण करवाए। ठीक है, तो ये जो था एचई ट्रांसफर, जो नियमावली है, नियमावली में एचई ट्रांसफर की जो सुविधा दी गई है दोस्तों, वो दिया गया है फीमेल को, जो फीमेल शिक्षिकाएं हैं, फीमेल जो है उन्हें ये मौका दिया गया है, और साथ ही साथ जो दिव्यांग है उन्हें ये मौका दिया गया है। ठीक है ना, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर जो है दोस्तों, ये जितने भी मेल शिक्षक हैं, मतलब जो पुरुष शिक्षक हैं, उन्हें म्यूचुअल ट्रांसफर, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सर का कहना है दोस्तों कि जो मेल शिक्षक है ना, उन्हें भी ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा, पूरे सर्विस आवर में एक बार उन्हें भी ऐच्छिक ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये स्वागत योग्य कदम है और एक अच्छी कदम है दोस्तों। देर हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये आएगा, दुरुस्त आएगा, ये मान करके चलिए, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा है, ये उनका स्टेटमेंट है कि जब भी आएगा तो एक ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाएगा। तो ऐच्छिक ट्रांसफर अब तक सिर्फ फीमेल को दिया जाता था, जो दिव्यांग है उन्हें दिया जाता था, और अब जो मेल है उन्हें भी ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी, तो एक अच्छी खबर है। रही बात 42,000 जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, क्या उन्हें इस ट्रांसफर में मौका दिया जाएगा? क्योंकि जो नियमावली है दोस्तों, आप सुने होंगे कि जो 3 साल की बाध्यता होती है, 3 साल आपकी बाध्यता है, यदि आप 3 साल सेवा दे चुके हैं अपने विद्यालय में तो आपको ट्रांसफर में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल तक सेवा नहीं दिए हैं, वो भी संतोषजनक सेवा होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई टूट सेवा में आपका नहीं होना चाहिए, तो आपको मौका दिया जाएगा, अदरवाइज आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये जो 3 साल की बाध्यता है, यदि ये 3 साल की बाध्यता को नहीं हटाया जाएगा तो जितने भी नवनियुक्त 42,000 जो शिक्षक हैं दोस्तों, उन्हें मौका नहीं मिलेगा इस ट्रांसफर में, यदि ट्रांसफर पॉलिसी आ भी जाती है। हालांकि अभी तक आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है दोस्तों कि आपके जो नई नियमावली है वो पारित होगी और उसमें ट्रांसफर के बारे में लिखा हुआ रहेगा और विस्तृत जो ट्रांसफर होगा वो उसके बारे में डिटेल्स आपको दिया जाएगा। तो जब वो आएगी, यदि आ भी जाती है, तो 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा, ये बात आप भी जान रहे हैं। ये मौका कब मिलेगा? जब 42,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें भी इस ट्रांसफर में शामिल किया जाएगा, ये जो 3 साल की जो बाध्यता है, इस 3 साल की बाध्यता को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तब उन्हें मौका दिया जाएगा दोस्तों। अब इसके लिए, ये जो 3 साल की बाध्यता है, इसको हटाने के लिए संघ संगठन आगे आएंगे, संघ संगठन की तरफ से इसको लेकर के सचिवालय में आपके शिक्षा मंत्री जी से, जो आला ऑफिसर्स वहां पे बैठे, अपर मुख्य सचिव निदेशक, उनसे मिल करके बात करके और इसमें संशोधन करवाया जाएगा दोस्तों, तभी हो सकता है। और इसको लेकर के संघर्षशील शिक्षक संघ की तरफ से कई बार, एक दो बार नहीं दोस्तों, कई बार ज्ञापन दिया गया है ट्रांसफर को लेकर के। एक बार माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिला गया है और उनके पीए साहब जो है वो डायरी में नोट भी किए हैं कि जो नए शिक्षक हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा इसमें, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो 42,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें भी स्थानांतरण में मौका दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो खबरें आ रही थी कि 3 साल की बाध्यता आपका रहेगा स्थानांतरण में, माननीय शिक्षा मंत्री जी से यदि मिल करके बात रखी जाए, मजबूती से चीजों को रखा जाए, तो शायद बात करने से बात बन सकती है दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जो अभी विधानसभा में, विधान परिषद में जो कहा गया है स्थानांतरण को लेकर के, एक नई चीजें उनके तरफ से लाया गया है कि जो पुरुष हैं उन्हें भी अच्छी का स्थानांतरण दिया जाएगा, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। यदि बात करने से बात बन जाती है, नवनियुक्त 42,000 शिक्षकों को मौका मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो 42,000 नवनियुक्त शिक्षक है वो काफी दूर है अपने घरों से, मैक्सिमम जो है 90% जो है उनका दूर दूर में ही ये सब मिस हुआ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी मौका मिले इस ट्रांसफर को लेकर के दोस्तों। और आज जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग में भी इसको लेकर के महत्वपूर्ण बातें होगी। मीटिंग में डीओ डीपीओ सबसे मिलने का कार्यक्रम है, वहां पर जाकर के भी अपनी बातें को रख सकते हैं, जिससे कि आपकी बात जल्द से जल्द सुनी जाए दोस्तों। आप लोग
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा और स्थानांतरण के मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कीजिएगा, सन से बने चैनल को अधिक से अधिक मजबूत कीजिएगा, जिससे आपकी बातें मैं और भी अधिक मजबूती के साथ रख पाऊंगा। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, चैनल के नीचे में सब्सक्राइब नाम का लाल बटन है, आप उसको दबा दीजिएगा। एक घंटी जैसा आइकॉन है, उस आइकॉन को आप दबा दीजिएगा, हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों आपकी बातें और अधिक मजबूती के साथ सचिवालय में, शिक्षा विभाग में माननीय शिक्षा मंत्री जी से रखा जाएगा और उन्हें मनवाने का पूर्ण कोशिश किया जाएगा। दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सन से बने के साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।